नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लाइसेंस से लेकर बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, लोगों का नहीं आ रहा है। देखिए, पहले उसमें 4 स्टेप होता था, अब उसमें 5 स्टेप हो गए हैं। तो जिनका भी लाइसेंस नहीं आया है, बी फार्मा या डी फार्मा स्टूडेंट का, सबसे पहले आपको UPPCI पे जाना होगा और वहाँ पर आपको ID पासवर्ड मिला होगा, तो आप ID पासवर्ड अपना डाल सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं, या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ID पासवर्ड डालते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक है ये, इस पर हम अपना ID पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड होगा, जो इसका जो भूल गया होगा फॉरगेट भी कर लेगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है, कैप्चा ऐसे फिल कर लेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे पेज देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेज पे रिक्वेस्ट फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले पॉइंट पे आना होगा, BU रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेप हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप सभी का हो चुका है, जब आपने ऑनलाइन किया था और एक अपॉइंटमेंट मिला था, उस अपॉइंटमेंट में आप PCI गए थे, मुहर लगा था और वो आपका हो चुका है। देखिए सेकंड क्या है, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन ने PCI ने लगभग सारे यूनिवर्सिटी का कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, जो सेकंड स्टेप है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन, PCI ने सारे यूनिवर्सिटी का कर दिया है। देखिए इसमें जो थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिप्लाई अपलोडेड, ठीक है, यही नया इसमें एडिशनल जुड़ा है। बाकी का इसमें 4-5 पॉइंट था, बाकी का यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता था और ग्रीन कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिप्लाई अपलोडेड, देखिए इसको कॉलेज जब तक वेरीफाई करके PCI नहीं भेजेगा, PGCI ने तो आपका क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन क्लियर कर दिया है। अब कॉलेज के पास क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन आया है तो कॉलेज PCI को भेजेगा, तभी आपका क्लियर होगा, तब PCI आपको क्लियर करेगा। जब तक कॉलेज PCI को नहीं भेजेगा, तब तक PCI वाले आगे का स्टेप नहीं करेंगे। जब यहाँ से कॉलेज से चला जाएगा तो आपका डाउनलोड ग्रीन कार्ड और सर्टिफिकेट विद इन 1 वीक के अंदर हो जाएगा। तो जिसका भी रुका है एक थर्ड स्टेप पे रुका है, और थर्ड स्टेप आप अपने कॉलेज पर जाइए, वहाँ से बोलिए उन लोगों को करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।